नंगे चाले चारों तरफ नंगे चाले। एक टाइम ऐसा था कि अगर हमारे को कोई नंगी वीडियो देखना है तो हमारे को एक आधे कोने काबरे में जाकर बैठना पड़ता था और गूगल पे सर्च करके देखना पड़ता था। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि इंस्टाग्राम खोलो और हर एक वीडियो के पीछे नंगा वीडियो देख लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है ना। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई इसको क्या हो गया, ये क्यों इतने पागल बातें कर रहा। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कपल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका पैदा होने का मकसद है सेक्स सेक्स सेक्स, मतलब सेक्स कर इंस्टाग्राम पर वायरल होना और फॉलोअर्स बढ़ाना। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? फिर चाहे तुम इनको इनके माँ बहन पे कितने भी नंगे नंगे गाले दो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक बात बोलूं? अरे बोलो ना यार, एक क्या दो बोल लो तुम। मेरी लोगे क्या? बताओ क्या 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 बोल रहे हो तुम? मेरी लोगे तुम्हारी लूंगा। क्या बोल रही? मेरी लोगे? अब मैं तो कब से तैयार हूँ। अब वो ननाड़ बिजाली, एक काम करना, इससे अच्छा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सेल लगा दे, इतना ही तेरे को लोगों को देने का शौक है तो। उस दिन वाला मजा नहीं आ रहा जो जंगल में मंगल कुछ टाइम उस टाइप का था। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस वाले दिन के ना अलग ही मजा था। सब लोग यही बोल रहे हैं ना? सब लोग यही बोल रहे मतलब? हाँ, अरे के भाई इतना बड़ा है के तेरा, मेरा मतलब जिगरा। अरे सब लोग कैसा बोल रहे, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये शिकायत तो सिर्फ तेरे बॉयफ्रेंड की होने होना था। मेरे को तो ऐसा लग रहा भाई, गरीब की औरत सबकी भाभी है ये, पूरे गांव को खुश करने का ठेका लेके रखी के तूने। जान दो भोक में, आगे देखते क्या है। तो पार करके दोगे? ऐसा मैं किसी को देती नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये। और तूने किस ले लिया ना, अब तू निकल यहाँ से। बहन चू बता रही हूँ तेरे को, मैं बस मजे लेती हूँ, मेरा मजा खत्म हो गया। तू भी इसके माँ की आफर रंडी खाना बनाकर रख दी है दोनों ने इंस्टाग्राम को। नहीं नहीं, जस्ट इमेजिन गाइस, अगर उस रात में इनके अम्मी अब्बा सोए हुए रहते ना तो आज ये नाजायज औलाद पैदा ही नहीं हुई रहती। सुने के तुमने क्या बोल रही हो, मैं सिर्फ मजे लेती बोलते तो। मेरे पास एक आइडिया है, बहुत से ऐसे लड़के बेचारे जिनकी मजे करने की ख्वाहिश है, तो एक आधा अच्छा बड़ा चैनल पकड़ और उस पर पेड प्रमोशन करा और बोल कि गाइस मेरे को मजे करना है, जो भी लड़के मजे करने में इंटरेस्टेड है वो मेरे पास आ जाए, और नीचे एड्रेस डाल दे। फिर देखते को पोट्टे कैसा बंगाली झूला झूलाते, और वो झूला भी ऐसा है उसमें बैठने के बाद तू खुद ही बोलेगी बस करो रे भाई अब चक्कर आ रहे मेरे को, बस करो रे भाई अब चक्कर आ रहे मेरे को, धड़ करके गिरेंगी ना। अब ये देखो गाइस, नॉर्मली लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपना इलाज कराते, लेकिन ये भोसड़ी के दवा खाने में भी एक मेक के ऊपर चढ़े हुए। नहीं नहीं, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इतना सेक्स लाते कहाँ से? इतने रोमांटिक तो साला जॉनी सिंस और मिया खलीफा भी नहीं होंगे जितने ये दोनों हैं। अरे भाई हम भी इंसान के बच्चे हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स है, हमारा भी दिल करता रोमांस करने का, लेकिन इतना बुरा, ना दवा खाना देख रहे ना डॉक्टर देख रहे, बस इंजेक्शन ही दे रहे। अरे भाई इतने छक्के तो एबी डिविलियर्स ने भी नहीं मारा होगा, जितने बुरे ये पोट्टा झटके मार लेगा। मतलब यार तुम इतनी हॉट लड़की को मना कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं अगर किसी और को बोलती ना अभी तक वो बाहर आ जाता, बोलते यस यार। देखेगा तुमने कितनी नंगी है ये, मतलब खुद होकर पोट्टे से सामान मांग रही। अब वो बेचारा डर रहा इतने बड़े गुफा में घुसने को, तो उसको बोल रही अरे यार तुमने इतने हॉट लड़की को मना कर दिए, एहसान वैसा अदरक लहसन, तो मतलब तेरा बोलना क्या है? वो लोगों ने काम धंधे छोड़ देना और तेरा गड्ढा ही भरते रहना। जान दो वोक में, अपने को जितना बोलना था अपन ने बोल दिए, क्योंकि मेरे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, मेरी स्क्रिप्ट खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनके नंगे चाले खत्म नहीं होंगे। लेकिन गाइस, हंसी मजाक एक तरफ, ऐसे लोगों को जितना हो सके इग्नोर करे और इनको रिपोर्ट करे, क्योंकि ये हमारे यूथ को खराब कर रहे। वैसा तो बोलना कोई धोवे गांड का नहीं है, सबके गांड के नीचे गड्ढा, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे और जितना हो सके इग्नोर करे। और मैं क्या बोल रहा, चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करो और जितना हो सके अपने वीडियो को शेयर करो, और 1000 कमेंट होना अपने को ये वीडियो पर, फिर अपना नया वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखो और जितना हो सके
अपने चैनल को सब्सक्राइब करो याद से। बाय, लव यू।